नमस्कार, कल्पना फिटनेस शैली में आपका स्वागत है। मैं कल्पना राठौर, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। आज हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। लहसुन का नाम आते ही सबसे पहले तो हम यह सोचते हैं कितना टेस्टी इससे भोजन हो जाता है, सब्जियों का तो टेस्ट ऐसे बढ़ जाता है लहसुन डालने से। लेकिन आज हम जानेंगे इसमें कौन कौन से औषधीय गुण हैं, किन किन प्रॉब्लम के लिए यह बहुत अधिक लाभकारी है, कितनी मात्रा में हमें इसका उपयोग करना चाहिए, कब इसका उपयोग करना चाहिए और किन लोगों को इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो इसमें औषधीय गुण कौन कौन से हैं यह जान लेते हैं। यह इसमें मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट का यह खजाना है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट के बहुत अधिक इसमें प्रॉपर्टी होने के कारण सर्दी, खांसी, अस्थमा, नाक से संबंधित, लंग से संबंधित प्रॉब्लम के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इसके साथ ही साथ हमारे हार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखता है। यहाँ तक कि यह हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ने देता। जब हमारा ब्लड शुगर लेवल ही नहीं बढ़ेगा तो डायबिटीज़ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ ही साथ गठिया वालों के लिए भी, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है बहुत अधिक, यह क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति होती है वह हीट प्रवृत्ति, इसकी जो तासीर है वह काफ़ी गर्म तासीर है, इस कारण भी गठिया या जोड़ों के दर्द और सूजन वालों के लिए भी यह बहुत अधिक फायदेमंद है। यदि दांत में दर्द उठ जाए तो कितनी वेदना होती है, ऐसे सोचते हैं, छटपटाता है व्यक्ति, तुरंत कुछ मिल जाए और वो भी घर में ही मिल जाए। आप एक लहसुन की कली ले लीजिए, एक छोटा टुकड़ा उसमें से ले लीजिए, उसे थोड़ा कुचल लीजिए, जिस जगह दांत में तकलीफ हो रही है आपको वहाँ पर इसे अप्लाई करिए, वहाँ पर इसे लगा दीजिए, इंस्टेंट आप देखेंगे कि दांत के दर्द में कितना तुरंत फ़ायदा होता है। इसके साथ ही जिन्हें यदि दर्द हो रहे हैं बहुत अधिक, थोड़ा सा आप सरसों का तेल ले लीजिए, 5 से 7 कली उसमें कुचल के डाल दीजिए और उसे कुछ हल्का गर्म कर लीजिए और हल्का कुनकुना उसे जोड़ों के दर्द में जहाँ दर्द है वहाँ पर लगा लीजिए। इतने सुंदर इसके रिजल्ट है। यदि आपको कहीं कीड़ा काट लिया है, लहसुन को कुचल के वहाँ पर तुरंत लगा लीजिए, देखिए चाहे मधुमक्खी ने क्यों न काट लिया हो, इतनी जलन होती है, इतनी वेदना होती है, तुरंत उसका पॉइजन वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा और दर्द और जो सूजन आ जाएगी। ततैया के काटने से तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है, यह छोटा सा लहसुन की एक कली कैसे चुटकियों में दर्द को कम करता है, जलन को कम करता है, यह तो इसके बहुत सारे फायदे मैंने जो बताए आपको। और अब इसे लेना कब है, इसका आप सुबह मॉर्निंग में खाली पेट यदि उपयोग करते हैं 2 से 3 कली ले लीजिए। हाँ, मात्रा आपको हमेशा, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं तो खूब सारा लहसुन खाएं, यह बिल्कुल नहीं करना है। 2 से 3 कलियां ले लीजिए और उसे शहद में मिला लीजिए और चबा चबा कर साथ में थोड़ा पानी भी पीते जाइए, फिर इसके रिजल्ट देखिए। अब हम जानेंगे कि किन लोगों को इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। जिसे लीवर की प्रॉब्लम है उसे बिल्कुल इसका उपयोग नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसका बिल्कुल उपयोग नहीं करना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। और उसके बाद जो होम्योपैथिक की दवाई ले रहे हैं वह मेडिसिन के जो हमें रिजल्ट मिलने चाहिए उसको कम कर देता है। इसलिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वो लहसुन का उपयोग बिल्कुल ना करें। जिन लोगों के मुँह से बदबू आ रही है वह इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। जिन्हें एसिडिटी या पेट में ऐसा लग रहा है कि फुला फुला सा लग रहा है, उन्हें भी लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह आज आपने जाना कि लहसुन का उपयोग सब्जियों को टेस्टी करने के लिए जो हम करते चले आ रहे हैं, दाल में तड़का दे दो लहसुन का, क्या वह मज़ा आ जाती है। उस तड़के के साथ साथ आपने तो यह भी जान लिया कि कितनी औषधीय गुणों से भरपूर है यह। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह छोटी सी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो
तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एक बात तो मैं कहना ही भूल गई जो कि बहुत अधिक अभी देखने में आ रही है, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी लहसुन का उपयोग करेंगे तो उन्हें बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। हाँ, लो ब्लड प्रेशर वाले को उसका उपयोग नहीं करना है क्योंकि ब्लड को पतला करने का भी काम लहसुन करता है। फिर लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ईश्वर आपको कभी बीमार न पड़ने दे, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ने दे, न हार्ट की प्रॉब्लम आने दे, न जोड़ों में दर्द हो। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खिलखिलाते रहें। लहसुन का उपयोग आज से ही स्टार्ट कर दीजिए यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तब। फिर मिलेंगे, नमस्कार।